एक वक्त था जब बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा के प्यार के किस्से हर किसी की जुबा पर हुआ करते थे। आज भी दोनों के नाम की चर्चा होती ही रहती है। इन दिनों अमिताभ बच्चन रेखा और जया बच्चन से जुड़ा एक किस्सा खूब सुर्खियां बटोर रहा है। उन दिनों की बात है जब अमिताभ बच्चन और रेखा एक दूसरे को पसंद करते थे। ये तो हम सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की शादी के बाद रेखा के साथ उनके नाम की चर्चा खूब होती थी। हालांकि इन बातों पर अमिताभ ने कभी कुछ नहीं कहा। उस वक्त भी जया बच्चन ने उन अफवाहों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया था, लेकिन फिर उसी दौरान कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई जिन पर यकीन करना हर किसी के लिए मुश्किल हो गया था। खबरों की माने तो एक वक्त ऐसा आ गया था जब जया अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरों से परेशान हो चुकी थी। इसी गुस्से में जया ने रेखा को फिल्म के सेट पर थप्पड़ मार दिया था। दरअसल ये बात फिल्म राम बलराम की शूटिंग के वक्त की है। फिल्म के मेकर्स लीड रोल के लिए अमिताभ बच्चन और रेखा को लेना चाहते थे, लेकिन जया बच्चन को ये मंजूर नहीं था। उस वक्त तक जया फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने फिल्म के मेकर से बात करके उस फिल्म में रेखा की जगह जीनत अमान को लीड रोल देने की बात कर ली। वहीं रेखा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें काफी गुस्सा आया और उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद से बात की और कहा कि वो इस फिल्म में काम करना चाहती है। तो डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें इसके लिए फिल्म के प्रोड्यूसर टीटो से बात करनी पड़ेगी। तब रेखा ने प्रोड्यूसर से बात करके उन्हें ऐसा ऑफर दिया कि वो रेखा को मना नहीं कर पाई। रेखा ने टीटो से कहा कि वो इस फिल्म में काम करने के लिए कोई भी फीस नहीं लेगी। फिर क्या था, अमिताभ और रेखा के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। शूटिंग के दौरान जया सेट पर पहुंच गई। खबरों की माने तो उस वक्त रेखा और अमिताभ अकेले बैठे हुए थे। जया ने दोनों को साथ में बैठा देखा तो वो आग बबूला हो गई। जया इतने गुस्से में थी कि उन्होंने अमिताभ के सामने ही रेखा को जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये देख कर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी हैरान हुए। वहीं जब जया बच्चन से एक इंटरव्यू में रेखा और अमिताभ के रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर इन खबरों में सच्चाई होती तो वो आज मेरे पास नहीं होते।